बयान भी दर्ज कराया है, तो उन पर जांच भी हुई है, मगर उन्होंने शपथ पत्र में झूठे जानकारी दी है, इसलिए उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, हमारी मांग है, इसलिए हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट के साथ आपको सौंप रहे हैं। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी ने अपने नाम निर्देशन फॉर्म में जो आपराधिक कृत्य थे उनके द्वारा किए गए कृत्यों को उन्होंने छिपाया है, नाम निर्देशन फॉर्म में नहीं शो किया है, इसलिए हमारी मांग है उनका नाम निर्देशन फॉर्म निरस्त किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आज निर्वाचन अधिकारी के पास हमने सौंपा है आवेदन पत्र। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अपने प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में अपने आपराधिक कृत्यों को छुपाकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती। अभ्यर्थी का नामांकन इस आधार पर अस्वीकृत करते उसकी उम्मीदवारी से उसे निरहित किया जाए, हमारी मांग है रिटर्निंग अफसर से। सर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी यहाँ पे आज आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ के धरा पर आ रहे हैं। मैं ओम माथुर जी से कहना चाहता हूं, क्या वो अपने प्रत्याशी को बाहर दिखाएंगे, उनको बर्खास्त करेंगे? उनके कृत्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ से जनता से क्या माफी मांगेंगे? मैं ओम माथुर जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरे देश और विश्व के सामने जग जाहिर हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से और छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। स्कूटनी के समय क्यों आपत्ति नहीं किया गया? देखिए, स्कूटनी के मामले में समय हम लोगों को जानकारी नहीं था, हमने नेट के माध्यम से सर्च किया और उसके माध्यम से हम लोगों को जानकारियां मिली और इनके कारतूत उजागर हुए और हमने उजागर किया। हम निर्वाचन अधिकारी और प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के पास भी हम जाएंगे और उन्होंने जो झूठा शपथ पत्र दिया है उस पे तत्काल कार्यवाही हो, आज हमने थाना में भी FIR दर्ज करवाएंगे। आपको क्या पूरा भरोसा है कि ब्रह्मानंद नेताम की दावेदारी खत्म हो जाएगी? देखिए, वो तो कानून अपना काम करेगा, मगर हमारी जो मांग है, हमारी मांग है उनका दावेदारी खत्म हो और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत नैतिकता है तो अपने प्रत्याशी को बर्खास्त करके उनको बाहर का रास्ता दिखाना दे और नाम वापसी करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में जो नैतिकता की बात करते हैं माननीय ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ प्रभारी आ रहे हैं, उनमें अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो अपने प्रत्याशी को नाम वापसी करा लेना चाहिए। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।